स्वेलिंग, नेक स्वेलिंग, बस आपको एक ये भी आइडिया होना चाहिए कि नेक स्वेलिंग अगर आ रही है तो वो आयदर थायराइड के लिए या थायराइड से बाहर की स्वेलिंग है। अभी एक और लेक्चर भी आप दूसरे साइड पे चल रहा होगा जो नेक स्वेलिंग्स का है, एक्स्ट्रा पेडल थायराइड के अलावा जो नेक स्वेलिंग्स होती हैं। तो वैसे हम लोग एक पिछले लेक्चर रिलेटेड अगर पूछूं कि थायराइड और एक्स्ट्रा थायराइड स्वेलिंग को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं एग्जामिनेशन पे, बाल पेट के अलावा एक इजी टेस्ट है ना, हम सॉलो करवाते हैं, पेशेंट से कहते हैं पानी पिए या थूक निकले, ठीक है। हाँ, तो मोबाइल होती है। दूसरी बात ये कि सिर्फ थायराइड स्वेलिंग है, सॉलो करने पे अपवर्ड डाउनवर्ड मूव होंगी, बाकी नेक की जो जितनी भी स्वेलिंग है जो भी आप पढ़वा रही डॉक्टर जकिया या डॉक्टर आसिफ पढ़ा रहे होंगे, फेरिंजियल पाउच, सिस्टाइग्रोमा और जो है ब्रेंकियल सिस्ट, ठीक है, लिम्फ नोड, उनमें से कोई भी अपवर्ड डाउनवर्ड सॉलो पे मूव नहीं होगी। थायराइड स्वेलिंग जो होती है स्पेसिफिकली हमेशा जो है सॉलो करवाने पे मूव होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव, तो इससे डिफरेंशिएट हो जाता है। जब भी आपके कभी ऑस्पी में शॉर्ट स्टेशन भी आ जाए, सबसे पहले टेस्ट यही करवाएंगे, एग्जामिनेशन पे सॉलो करवाएंगे, उसमें अपवर्ड मूव हो गया तो कंफर्म हो गया कि थायराइड स्वेलिंग है। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड सॉलो पे मूव नहीं हो रहा तो फिर हम बाकी स्वेलिंग के फॉरन डिफरेंशियल पर आ जाएंगे कि फेरिंजियल हो सकता है, सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है या लिम्फ नोड हो सकता है। उसमें हाइपरथायरायटिज्म को डिफाइन करते हैं कि हाइपरथायरायटिज्म इज अ कंडीशन दैट इज रिलेटेड टू दोस इन विच थायराइड हार्मोन्स प्रोडक्शन एंड रिलीज आर इंक्रीज ड्यू टू ग्लैंड हाइपर फंक्शन। द कंडीशन इज मोर फ्रीक्वेंट इन फीमेल्स विद द राइज इन T3 एंड T4 लेवल इन द ब्लड, दो इंक्रीज इन T3 इज जनरली ग्रेटर देन T4। थायराइड हार्मोन्स का किसी वजह से जो है ब्लड सीक्रीशन बढ़ जाए, ब्लड लेवल बढ़ जाए, थायराइड हार्मोन्स के नाम पता होने चाहिए, T3 T4 आर द टू हार्मोन्स विच आर यूजली प्रेजेंट इन द ब्लड, जिसमें T3 जो है वो ज्यादा जो है एक्टिव होता है, क्वांटिटी में ज्यादा बाजों का T4 होता है, T3 ज्यादा पोटेंट होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, दोनों हार्मोन साथ बढ़ भी तो पेशेंट को हाइपरथायरायटिज्म के सिम्टम्स डिवेलप हो सकते हैं। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं, कॉजेस को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है कि विद इंक्रीज थायराइड हार्मोन सीक्रीशन कंडीशन ऐसी भी होती है कि पेशेंट को हाइपरथायराइड के सिम्टम्स आ रहे होंगे, थायराइड हार्मोन्स का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा, नियर नॉर्मल करीब होगा, लेकिन स्टिल पेशेंट विल बी हैविंग ऑल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। तुम दो में डिवाइड करते हैं कि कंडीशन जिसमें थायराइड हार्मोन्स का लेवल हुआ है या कंडीशन जिसमें थायराइड हार्मोन्स का लेवल नहीं बढ़ा हुआ और पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म है। जिन कंडीशन में हार्मोन्स का लेवल होता है उसमें मोस्ट कॉमन या जो मोस्ट जो है एनकाउंटर्ड एग्जाम आल्सो डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर, दूसरा नाम क्या है ग्रेव्स डिजीज, या इसका तीसरा नाम क्या है प्राइमरी थायरोसिस। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यही होता है, हमारी नॉर्मल डे प्रैक्टिस है, अक्सर ऑस्पी पे भी इस पे स्टेशन बना हुआ आ जाते हैं सिनारियो बना के, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर, ग्रेव्स डिजीज या प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। डिफ्यूज से क्या मुराद है, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर से, जैसे हमने लास्ट टाइम गोइटर की क्लासिफिकेशन करी थी उसमें कहा था एक डिफ्यूज होता है, एक नोड्यूलर होता है और एक नोड्यूल होता है। तो डिफ्यूज से मुराद ये होता है कि पूरा का पूरा ग्लैंड एनलार्ज है, पूरा ग्लैंड एनलार्ज है और पूरा ही ज्यादा सीक्रेट कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर। दूसरा जो इसकी क्लासिफिकेशन में आ रहा है टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, उससे क्या बोल रहे हैं कि ग्लैंड तो एनलार्ज है लेकिन उसमें जगह जगह नोड्यूल बने हुए होंगे, ग्लैंड दूसरा वाला भी पूरा एनलार्ज है लेकिन उसमें जगह जगह नोड्यूलैरिटी मौजूद है, दैट इज टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर। इसका दूसरा नाम है सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। तीसरा क्या होगा टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा, इससे क्या मुराद है कि पूरा ग्लैंड नॉर्मल है, किसी एक जगह पे स्वेलिंग मौजूद है या किसी एक लोब के अंदर एक नोड्यूल मौजूद है, दैट इज हाइपर फंक्शनिंग, ये ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा हार्मोन्स की सीक्रेशन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ये फर्क पता होना चाहिए कि डिफ्यूज में पूरा ग्लैंड होता है, ग्लैंड में ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, और एडिनोमा अगर लिखा हुआ है सिंगल नोड्यूलर एडिनोमा या थायराइड एडिनोमा तो इससे मुराद है कि पूरा ग्लैंड नॉर्मल है लेकिन किसी एक लोब में एक छोटा सा नोड्यूल मौजूद है, दैट इज हाइपर फंक्शनिंग। सेकेंड कैटेगरी जिसमें हमने बताया कि पेशेंट को हाइपर थायराइडिज्म तो होगा लेकिन थायराइड हार्मोन्स की सीक्रेशन जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, सब एक्यूट थायराइडाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज है,
कोई पेशेंट को जो है मेटास्टेटिक थायराइड कैंसर हो, थायराइड कैंसर जो है वो बॉडी में कहीं मेटास्टाइज कर गया, तो भी थोड़ी थोड़ी सीक्रीशंस कर रहा होता है हार्मोन्स की, या उस्ट्रोवेराई ओवेरियन ट्यूमर को कहते हैं। ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, तीसरा वाला मैंने शुरू के दो भी पता हो तो काफी है। अब डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर जो मैंने कहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेव जिसको ग्रेव डिजीज भी कहते हैं या प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, कॉमन फॉर्म है थायरोटॉक्सिकोसिस की, ऑटो इम्यून होती है। अच्छा थायराइड की एक और बात कि फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, पता नहीं क्यों लेकिन फीमेल्स में कॉमन है। वैसे जो एक पोस्टुलेटेड थ्योरी ये भी है कि फीमेल ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है तो ईस्ट्रोजन जो है थायराइड की उसके जो को प्रोलिफरेशन को एनहांस करते हैं, थायराइड की ग्रोथ को एनहांस करते हैं, तो इस वजह से फीमेल्स में ज्यादा होता ही है। तो फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर मोस्ट प्रीवेलेंट 20 से 40 साल की जो 20-40 ईयर्स की एज होती है उस पर ये डेवलप होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर या प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है या इसमें मेन फैक्टर क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी होती है ब्लड में जो कि ESS रिसेप्टर्स को कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करती रहती है। अगर आप तो पिछली फिजियोलॉजी के TSH रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं वो फिर आके थायराइड ग्लैंड पे काम करते हैं और वो थायराइड ग्लैंड जो T3 T4 बनाना शुरू कर देता है। तो अगर कोई ऐसी बॉडी या कोई ऐसा जो हार्मोन हो जो कंटिन्यूअसली ब्लड के अंदर जो ना T3 T4 कम है, आप जो है सीक्रीशंस बढ़ाओ, तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी TSH रिसेप्टर्स पे एडहियर्ड हो जाती है वहां पे जाके उसको कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट रखती है, वो बार बार अंदर भेजता रहता है TSH रिसेप्टर जो है थायराइड ग्लैंड को कि T3 T4 की सीक्रेशन बढ़ाओ, और इस तरह ब्लड में सीक्रेशन जो है एनहांस होती जाती है। इसमें इसका एक और नाम भी है, शायद आप लोगों ने फिजियो में पढ़ा हो, लेट्स लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटर, लेट्स करके शायद पढ़ा हो अगर याद हो, थायराइड पढ़ा तुम लोगों ने, इसमें एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी होगी ना, ठीक है। अच्छा याद भी गया इसमें, लेट्स लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। एक और भी आती है लेट्स ज्यादा कॉमन एंटीबॉडी जो अक्सर थायरोटॉक्सिकोसिस पेशेंट में मिलती है, दूसरी कौन सी एंटीबॉडी होती है कि थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडी, ये थोड़ी सी कम होती है या इसका इंसिडेंस कम है, लेकिन दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी ब्लड में TSH रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करेगी जिससे थायराइड की सिक्रीशन जो है वो एनहांस होना शुरू हो जाती है। ये एक मेरा ही पेशेंट था डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर का। सिम्टम्स का हमें आइडिया होता है या कैसे पता चलेगा, ये तो थायराइड के तो ज़रिए हम जब टेस्ट करवाएंगे तब पता चलता है, लेकिन जब आपके पास पेशेंट OPD आता है तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो हमें थायराइड हाइपर थायराइडिज्म या थायराइडिज्म का 80% 90% हिस्ट्री से आइडिया हो जाता है। क्या सिम्टम्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल कुछ सिम्टम्स मिलते हैं हमें पेशेंट में जो कि ज्यादातर यंग पेशेंट अगर होंगे 20 से 40 साल की एज के उनमें कॉमन होंगे। क्या कॉमन होंगे, नींद नहीं आ रही होगी, इंसोमनिया होगा, रात खुल जाती होगी, नाइटमेयर्स होंगे, ट्रेमर्स इन द हैंड फीट, पेशेंट बताएगा कि जब भी काम करता हूं तो मेरे हाथ जो है कपकपाने लगते, पैर जो है ज्यादा देर खड़ा रहा हूं तो कपकपाने लगते, ट्रेमर्स आ रहे होते, उसमें नर्वसनेस रहती है, एंजाइटी रहती है। नर्वसनेस से मुराद यहाँ पर क्या, एंजाइटी है। थायरोटॉक्सिक जो पेशेंट होंगे उनमें हर वक्त एंजाइटी रहेगी, टेंशन रहेगी एक, ठीक है, खवातीन में वैसे टेंशन होती है थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से और बढ़ जाती है, ठीक। कार्डियोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस क्या मिल सकती है हमें पेशेंट में, अच्छा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस ज्यादा कॉमन जो है पेशेंट्स में होती है। कार्डिक मैनिफेस्टेशन अगर कोई डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर का पेशेंट है जिसकी एज 40 या 50+ है, ओल्डर पेशेंट है, उसमें कार्डिक कॉम्प्लिकेशन या कार्डिक जो है मैनिफेस्टेशन ज्यादा मिलती है। क्या क्या मिल सकता है, टेकोकार्डिया, पेशेंट बताएगा मेरे दिल की धड़कन ज्यादा महसूस हो रही है, मुझे जो ऐसा लग रहा है दिल डूब रहा है, एरिदमिया, ठीक है। और बाज अवकात ऐसा भी होता है कि पेशेंट आपके पास अगर डिलेड प्रेजेंटेशन हो, हार्ट फेलियर के साथ आ रहा होता है कि फेफड़े पानी भर गया, मुंह से फ्रॉदिंग हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डिलेड भी बाज अवकात प्रेजेंट करता है पेशेंट आपके पास। एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक कंडीशन दैट इज कॉल्ड थायराइड पैराडॉक्स। थायराइड पैराडॉक्स क्या होता है कि ऑल्दो थायराइड, हाँ नहीं होगी वो कैसे लेगा, टाइम ले लेगा, उसको बता दे। अच्छा ठीक है, थायराइड पैराडॉक्स क्या आता है कि अच्छा ये T3 T4 की खास बात ये होती है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है तो पेशेंट को भूख ज्यादा लगती है,
ठीक है, जितना मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा उतनी आपको भूख लगेगी, लेकिन मेटाबॉलिज्म इतना तेज कर देती है कि जो भी खा रहे हैं वो फैट प्रोटीन में या फैट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। पेशेंट खाएगा भी ज्यादा, उसकी भूख भी ज्यादा होगी, उसकी एपिटाइट ज्यादा होगी, लेकिन उसका वेट गेन नहीं होगा। तो ये जो फेनोमिना है कि भूख ज्यादा है, पेशेंट खा भी ज्यादा रहा है, लेकिन वेट हमेशा इसमें कम होता है, इज कॉल्ड थायराइड पैराडॉक्स। ठीक है, बाजू का टर्म यूज कर लेते हैं, तो पता होगा कि थायराइड पैराडॉक्स क्या है। इंक्रीज एपिटाइट विद डिक्रीज वेट। और क्या सिम्टम मिल सकते हैं हमें हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट? स्वेटिंग बहुत ज्यादा मिलती है उनको, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है पेशेंट को। ठीक है, नॉर्मल अगर कोई बंदा बैठा हुआ है हॉट वेदर में और हाइपर थायराइड बैठा हुआ है तो पसीने में नहा रहा होगा, हाथ पैर पूरे गीले हो रहे होंगे उसके। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया क्या होता है? यूरिनेशन ज्यादा आ रही है, पेशेंट को जो है ना बार बार कहता है कि यूरिन ज्यादा आ रहा है, और हर दफा क्वांटिटी में भी ज्यादा आ रहा होता है, या डायरिया हो रहा होता है, स्टूल बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे होते हैं उसमें। जाहिर है डायरिया क्यों हो रहा है, खाना ज्यादा खा रहा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज है, बॉडी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, सारा डायरिया की सूरत में निकलता जाता है, इसलिए पेशेंट का वेट गेन नहीं होता। फटीकेबिलिटी, पेशेंट हर वक्त कंप्लेन करेगा कि थकावट है, कुछ काम करने का दिल नहीं चाह रहा, जैसे स्टूडेंट लाइफ में चाहता ना पढ़ाई करते हुए, वही चीज हाइपरथायरायटिज्म में हो रही होती है पेशेंट को, कि फटीग हो रही है, कुछ भी काम करने नहीं चाह रहा, दिल चाह रहा बैठे रहो या सो जाओ फौरन। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है बेसिकली? ये ओल्ड एज फीमेल्स में होती है कि कैल्शियम बोन का जो है ना वो रिजॉर्प्शन में चला जाता है, ये कैल्शियम बोन से निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को बोन पेन होता है, हल्का सा जो है एकदम से कोई झटका लगे तो बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। थायरोटॉक्सिक गोइटर, ये अभी हम देखेंगे कि थायरोटॉक्सिक गोइटर के आई के जो साइंस है ये भी आगे अलग से डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बता रहा। अगेन ये सारी चीजें वही है जो अभी हमने डिस्कस करी तस्वीर की फॉर्म में, कि गर्मी ज्यादा लगती है, स्वेटिंग बहुत हो रही होती है, वेट लॉस हो, मसल वेस्टिंग होती है, दिल की धड़कन की कार्डिया ज्यादा महसूस हो रहा होता है, हाथ में ट्रेमर्स होते हैं, थकावट रहती है हर वक्त, हाइपो एक्टिव टेंडन रिफ्लेक्सेस, पेशेंट के टेंडन के अगर हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें हाइपो एक्टिव मिलेंगे, कम मिलेंगे हमें। फीमेल पेशेंट होंगी तो उनमें मेंसिस की एबनॉर्मेलिटी होती है, एमेनोरिया होता है। हाइपरथायरॉइड फीमेल्स या मेल्स, जो फीमेल्स खास तौर पे, उनमें फर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें, एजिटेशन होती है, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी से मुराद वही है कि चिड़चिड़ापन, ठीक है, खुशी वाली एक्साइटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है उनमें, और डायरिया होता है। बात एक ट्राइड भी मिलता है हमें इसमें, अगर हम बाजू का लेबल करते हैं पेशेंट को, डिफ्यूज गोइटर के पेशेंट को जो डिफ्यूज स्वेलिंग है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, और आइज में कुछ साइंस मिल रहे हैं जिसको एक्सोप्थेल्मोस कहते हैं, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ये ट्राइड मिलता है अगर किसी पेशेंट में कि स्वेलिंग भी मिल रही है, हिस्ट्री पे थायरोटॉक्सिकोसिस के साइन मिल रहे हैं, और आई पे हमें एक्सोप्थेल्मोस लग रहा है कि आई जो है ज्यादा प्रोट्रूड हुई है, या आई में कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो गए, तो उस ट्राइड के बेसिस पेशेंट को लेबल कर देते हैं कि इसको डिफ्यूज थायराइड गोइटर है या प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है। ज्यादा अरसे अगर थायराइड का आप ट्रीट ना करें तो फिर और भी एसोसिएटेड आपको हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम मिल सकते हैं, लाइक हेयर लॉस, गायनेकोमेस्टी, या गायनेकोमेस्टी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल्स, मेल्स के अंदर जो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है चेस्ट वॉल, उसमें फैट डिपॉजिट हो जाती है, तो मेल्स में फीमेल जो है क्वालिटी डेवलप, इसी तरह स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन का साइज होता है कि अभी थायरोटॉक्सिकोसिस हुई है और फौरन ये डेवलप हो जाए, 5 से 10 साल तक अगर अनट्रीटेड रहेगी तो उस कंडीशन में ये डेवलप होने के चांसेस होते हैं। हाँ, सुनो, वही तो बता रहा हूँ कि उसको 5 से 10 साल लगते, थोड़ा थोड़ा फैट डिपोजिशन होती है जिसपे, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो जाता है, बाकी बॉडी पे कहीं नहीं हो रही, लेकिन एबनॉर्मली जो है हार्मोन सीक्रेशन बढ़ा देता है जिसकी वजह से चेस्ट वॉर हो जाती है मेल्स के अंदर। ये वाले भी होंगे लेकिन बाज़ औक़ात लोग जो है ट्रीट नहीं करवाते ना, सिम्टम इतने नहीं होते कि बॉदर, वो लोगों को आज समझ रहे होते पेशेंट कि जो है ये हमारे शायद नेचर ही इस तरह का है,
बाद में जब कोई कार्डिक मैनिफेस्टो से ज्यादा होने लग जाए, ये नींद होने की वजह से, ना सोने की वजह से जो है बहुत ज्यादा झटके या इस तरह के फिट्स का मसला आने लग जाए, फिर आते हैं पेशेंट डॉक्टर के पास। आई साइंस जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थायरोटॉक्सिकोसिस में एक्सोप्थेल्मोस किसको कहते हैं हम। एक्सोप्थेल्मोस बेसिकली क्या होता है, इस आंख में कुछ कुछ एबनॉर्मेलिटी लग रही है क्या? अपनी आंखें ना आज जाके शीशे में गौर से देखना कि ये जो हमारी आईलिड होती है ऊपर वाली, ये बीच वाली जो जगह है ब्लैक, इसको कहते हैं आयरिस, और ये जो व्हाइट वाली जगह है इसको कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, तो ये जो अपर आईलिड होगी इस ब्लैक को हाफ ढांक के रखती है हमेशा, आपको कभी भी ऊपर का व्हाइट स्क्लेरा नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट का व्हाइट स्क्लेरा ऊपर का भी नजर आ रहा है, नीचे का भी नजर आ रहा है, नीचे का हमारा भी नजर आ जाता है, ठीक है, ऊपर देखोगे तो वैसे ही नीचे आएगा, लेकिन नीचे देखोगे तो ऊपर वाला कभी भी नजर नहीं आएगा नॉर्मल में। किसी पेशेंट को अगर एक्सोप्थेल्मोस डेवलप हो रहा होगा थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से, तो उसमें ये अपर स्क्लेरा और लोअर स्क्लेरा व्हाइट व्हाइट दोनों विजिबल होंगे। बाज औकात ऐसा भी होता है स्टियरिंग लुक होती है, आप पेशेंट के पास जाके बैठे हो, आपको घूर रहा है एकदम फटी भी आप परेशान हो गए, भाई ऐसे क्यों देख रहा है, सही नहीं है ये। बाद चला जब स्टे ली तो बेचारे को थायरोटॉक्सिकोसिस था, ताड़ू नहीं था वो बेचारा, ठीक है, इल्जाम लग जाएगा। ये थायरोटॉक्सिकोसिस वाले पेशेंट अक्सर इसमें स्टेयरिंग लुक होती है इनमें, कि जो है ना घूरने वाली इस तरह जैसे आपको देख रहे हैं, लेकिन बेचारों को बीमारी की वजह से होता है। और निशानी यही है कि ऊपर का स्क्लेरा विजिबल होगा, अबव द लिम्बस, और लोअर स्क्लेरा भी विजिबल होगा इसमें। क्यों होता है ये एक्सोप्थेल्मोस, मैकेनिज्म थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ड्यू टू इंक्रीज रिट्रोबल्बर टिश्यू, आईज के पीछे जो टिश्यूज होते हैं यहाँ पे फैट डिपोजिशन या ग्लाइकोज अमाइनोज ग्लाइकोज की डिपोजिशन की वजह से आई बाहर की थोड़ी पुश होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, एजम ऑफ द अपर आईलिड, ये अपर आईलिड जैसे हमने बताया कि हमारी तो नीचे रहती है ढाप के रखती है, इनमें इस हाइपरथोर जो हाइपरथायरॉइडिज्म होते हैं उनमें इस अपर आईलिड के मसल्स का स्पैजम हुआ हुआ होता है, ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं मसल्स। स्पैजम का मतलब क्या है, खींच के रखना, ठीक है, स्पैजम कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड हालत में रखना है, खींच करना, तो ये आईलिड जो नीचे के बजाय जो है ऊपर बिल्कुल हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रहेगी। इस साइन को कहते हैं डेरलिम्पल साइन, ठीक है, डेरलिम्पल साइन कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए कि रिट्रैक्टेड अपर आईलिड। फिर एक और साइन होता है लिडलैक, जिसको कहते हैं वॉन ग्रीव साइन। लिडलैक क्या होता है, ये वैसे तो हम जब क्लियर आपको कराएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि पेशेंट जैसे सामने खड़ा हुआ है, मैंने उससे कहा कि मेरी फिंगर को फॉलो करो, इस फिंगर को देखो, अब वो ऊपर देखेगा तो आई आई बॉल उसकी ऊपर जाएगी, फिर जब वो नीचे देखेगा आई बॉल नीचे आएगी। हम लोग जब नीचे देख रहे हैं तो हमारी आई बॉल भी नीचे आ रही है, साथ साथ ये जो ऊपर की आईलेट है ना ये भी नीचे आ रही है, लेकिन जो थायरोटॉक्सिकोसिस होगी पेशेंट को जब उसको हम नीचे दिखवाएंगे तो आई बॉल नीचे देखेगी, लेकिन ये रिट्रैक्शन की वजह से अपर आईलेट ऐसी रह जाएगी ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड लिड लैग या वॉन ग्रीव साइन भी कहते हैं इसको। एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, पेशेंट का अगर इतने ज्यादा आई के साइन एंड सिम्टम्स होंगे कि वो आई बॉल्स को मूव ही नहीं कर पाएगा, उसको कहेंगे देखो इधर देखो तो सही से उसमें मूवमेंट नहीं हो पाएंगी पेन की वजह से। सुपरा ऑर्बिटल स्वेलिंग, आसपास आई के अराउंड स्वेलिंग मिलेगी थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट में या ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट में। कंजेशन एंड एडिमा ऑफ द कंजक्टिवा स्क्लेरा, रेडनेस मिल रही होगी, कंजेशन से मुराद है कि जैसे कंजक्टिवाइटिस आता है ना, नाम सुना होगा कि आई एकदम से रेड होना शुरू हो जाती है, पानी बहना शुरू हो जाता है, तो ये वाले जो पेशेंट होते हैं थायरोटॉक्सिक पेशेंट इनमें भी कंजक्टिवाइटिस वाले सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिल रहे होते हैं हमें। अगर ज्यादा अरसे नहा ट्रीट करें इस चीज को, आंखें इसी तरह, अच्छा इनकी आईज बंद भी नहीं हो पाती सही से, क्योंकि जो है वो हुई भी होती है, रिट्रैक्ट हुई भी होती है आईज, बाहर प्रोट्यूड हुई भी है, मुस्तकिल अगर किसी की आईज जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट एक्सपोज रहे तो इसमें अल्सर बन जाते हैं, हमारी कॉर्निया में स्क्लेरा के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है, और बहुत ज्यादा अरसे रहने की वजह से क्या होता है इसमें कि पेशेंट को ब्लाइंडनेस डिवेलप हो जाती है, आई आई का विजन का लॉस हो जाता है, आई बॉल लॉस हो जाता है पूरा, तो इसीलिए इसको ट्रीट करना जरूरी होता है। ये कुछ और साइन है जो याद रह जाए तो अच्छी बात है, लाइक रोजेनबेक साइन, ट्रेमर्स ऑन क्लोजिंग द आईलिड्स, के पेशेंट ने अगर अपनी दोनों आंखें बंद भी कर ली है तो हम उसकी आईलिड्स को एग्जामिन कर रहे होंगे तो उसमें हल्का हल्का से मूवमेंट आ रही होगी, ट्रेमर्स आ रहा होगा। स्टेलबेक साइन,
स्टेन लुक विद इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, सामने जाके पेशेंट आपको जो बैठे देख रहा है बार बार आंखें भी यू कर रहा है और घूरने वाली कंडीशन में देख रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि परेशान होंगे देख के कैसे क्यों देख रहा है, तो वो बेचारा अलग बीमारी की वजह से देख रहा होगा, इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग भी होंगी और आईज फटी फटी ज्यादा भी हो रही होंगी, दैट इज कॉल्ड एलवेक साइन। तीसरा क्या है, डेर लिम्पल साइन, रिम ऑफ स्क्लेरा सीन बिटवीन द कॉर्निया एंड द अपर आईलेट, ये जैसे क्या ऊपर ये जो हमारी कॉर्निया ये ब्लैक एरिया था इसके ऊपर स्क्लेरा बहुत ही ज्यादा विजिबल होगी, डेर लिम्पल साइन। वॉन ग्रीफ साइन, अभी मैंने बताया कि हम मूव करवाते आईलेट को तो नीचे मूव करवाने में आईलेट ऊपर ही रह जाती है। जॉफ राइस साइन क्या होता है, लॉस ऑफ फॉरहेड एरुगेशन व्हेन लुकिंग अपवर्ड। नॉर्मली हम लोग जब ऊपर की तरफ देखते तो फोरहेड पे जो है हमारे कुछ वो बनती है कॉरुगेशस बनती है, ठीक है, सलवटे बन जाती है, लेकिन अगर किसी हाइपरथायराइड पेशेंट होगा जब उसको ऊपर दिखवाएंगे तो उसकी कॉरुगेशन नहीं, लॉस ऑफ कॉरुगेशन होगा ड्यू टू अगेन लॉस मसल मूवमेंट्स की वजह से, कॉरुगेशन नहीं होगी ऊपर देखने की वजह से, उस साइन को क्या कहते हैं आप, जॉफ राइस साइन कहते हैं। मोबियस साइन क्या होता है, लैक ऑफ कन्वर्जेंस, पेशेंट से कहेंगे ना कि बैंगे बन के देखो उंगली को, दोनों आंखों से उंगली को, तो वो कभी ये नहीं देख पाएगा, दोनों आंखों से एक जगह फोकस नहीं कर पाएगा, लैक ऑफ कन्वर्जेंस मोबियस साइन। ये बीसीक्यू से पूछ लेते हैं, जेफराइस साइन क्या होता है, या इसका बना के ना स्टेलवेक साइन, स्टेयरिंग लुक जो है इज रिगार्डेड एज स्टेलवेक, चारों साइन के नाम लिखे हुए होंगे, इनमें से किसी भी एक का सिनेरियो वो बना के दिया हुआ होगा, स्क्लेरा विजिबल है पेशेंट में स्टेयरिंग लुक के साथ, तो व्हाट इज दिस साइन, इस तरह करके। ये अगेन कुछ एग्जांपल दी हुए जो मैंने अभी कॉरुगेशन का बताया था, नॉर्मली जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस तरह जो है कॉरुगेशस बनती है, लेकिन हाइपरथायराइड पेशेंट होगा उसमें इस तरह प्लेन होगा, वो ऊपर भी देख रहा है तो कॉरुगेशस नहीं बन रही होंगी, इसमें सलवटे नहीं आ रही होगी दिमाग पे। इसी तरह लिड लैग पे बताया था जॉफ राइस साइन, ऊपर देख रहे हैं नीचे से तो लिड जो है देखो ये नीचे की तरफ आई हुई है, लिड में जो है स्लाइटली ऊपर रिट्रैक्टेड हुई हुई है, अपर आईलिड जो है वो खास में रिट्रैक्टेड हुई हुई है। अगेन एक्सोप्थेल्मोस, इस पेशेंट में तो साइन भी ज्यादा नजर आ रहा है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा भी है, सुप्रा ऑर्बिटल इंफ्राऑर्बिटल दोनों तरफ की स्क्लेरा भी विजिबल है, ठीक है। हाँ एडिमा होता है लेकिन उसमें ये साइन नहीं मिलेंगे, एडिमा तो ये वाला एडिमा मिल सकता है रीनल फेलियर में, कार्डिक फेलियर में, दोनों में मिलता है, लेकिन उसमें ये साइन नहीं होंगे ना फिर, ठीक है। ठीक है, स्टेयरिंग लुक है ना पेशेंट की बिचारों की। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हमने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिनेशन कर लिया, ये आई साइंस देखे, अब हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, हमेशा याद रखो कि थायराइड का तो जब भी आपसे पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन, जब भी ऑस्पी में भी इवन लिखना हो तो सबसे पहले हमेशा TSH लिखा करो, उसके बाद T3 T4 लिखा करो, सही है, हमेशा आपको पहले TSH लिखना है नंबर वन, उसके बाद T3 T4। TSH करवाते हैं, हाइपरथायराइड पेशेंट होगा तो TSH क्या होगा, इसमें लो होगा, अगर TSH बढ़ जाएगा तो TSH जाके थायराइड को कहेगा कि थायराइड की सीक्रेशंस की जरूरत ही नहीं है, पेशेंट हाइपोथायराइड हो जाएगा, क्योंकि TSH इसमें कम होता है, वो जो है एंटीबॉडी जो है वो TSH रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट इसीलिए रखती है कि वो लेवल TSH का लेवल कम रखो, थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ा के रखो, तो TSH हमेशा हाइपरथायराइड में कम मिलेगा हमें। जब हमें ये कम मिलेगा तो मैं इसको और कंफर्म करने के लिए कि पेशेंट को हाइपरथायराइड है कि नहीं है, फिर मैं T3 T4 करवाऊंगा, T3 T4 करवाऊंगा, ये बढ़ावा मिल जाएंगे। बायोकेमिकल डायग्नोसिस जो है मेरी कंफर्म हो गई कि पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है, फिर क्या करवाऊंगा मैं, थायराइड स्कैन करवाता हूँ। थायराइड स्कैन क्या होता है, एक खास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है थायराइड ग्लैंड का, उसमें हमें ये पता चलता है कि पूरा थायराइड ग्लैंड सीक्रेट कर रहा है हार्मोन्स, या कोई नोड्यूल है वो कर रहे हैं, या कोई एक हिस्सा कर रहा है सीक्रेट कर रहा है। हॉट नोड्यूल होता है, उसमें वार्म नोड्यूल होता है, कोल्ड नोड्यूल होता है, ठीक है। थायराइड स्कैन से हॉट नोड्यूल, वार्म नोड्यूल, कोल्ड नोड्यूल,
हॉट नोड्यूल से मुराद ये होता है कि पूरा ग्लैंड एनलार्ज है लेकिन कोई एक नोड्यूल जो है ना वो ज्यादा काम कर रहा है। वार्म नोड्यूल से वार्म नोड्यूल से मुराद ये कि पूरा का पूरा ग्लैंड जो इक्वली हाइपर सीक्रेट कर रहा है। और कोल्ड नोड्यूल से मुराद ये कि पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है, कोई एक नोड्यूल है जो काम ही नहीं कर रहा, जिसमें से सीक्रीशंस नहीं हो रही। तो ये जो कोल्ड नोड्यूल होते हैं ये खतरनाक होते हैं। कोल्ड नोड्यूल अगर किसी पेशेंट में आ रहा है कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाते हैं फिर, थायराइड अल्ट्रासाउंड करवा देखते हैं कि पेशेंट के अंदर जो स्वेलिंग है वो थायराइड स्वेलिंग, ये सॉलिड स्वेलिंग है, सिस्टिक स्वेलिंग है। और लास्ट इसमें क्या टेस्ट करवाते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज टेस्ट, जो कि मैंने शुरू में बताया था ना, लेट्स एंटीबॉडी या टीएसएस रिसेप्टर एंटीबॉडी या एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी अवेलेबल अगर ब्लड में बढ़ावा मिल जाएगा हमें और कंफर्म हो जाएगा पेशेंट को हाइपरथायरायडिज्म है। मैनेजमेंट क्या होती है हाइपरथायरायडिज्म, मैनेजमेंट तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। एंटी थायराइड ड्रग्स भी दे सकते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी दे सकते हैं और सर्जरी भी कर सकते हैं। ये जो मैनेजमेंट है लेकिन डिपेंड करती है एज कितनी है, पेशेंट की सिवेरिटी कितनी है, ग्लैंड का साइज कितना बड़ा है, साथ में कोई और बीमारी तो नहीं है ज्यादा, पेशेंट की अपनी प्रेफरेंस है कि नहीं मैं सर्जरी नहीं करवाना चाह रही या मैं जो है दवाइयां नहीं लेना चाह रही या पेशेंट को प्रेगनेंसी है, तो उसके हिसाब से ये चेंज होती रहती है। एंटी थायराइड ड्रग्स के नाम जरूर पता होने चाहिए आप लोगों के लेवल। तीन ड्रग्स होती हैं, प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथीमाजोल, कार्बिमाजोल। ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, मेथीमाजोल, कार्बिमाजोल। सबसे ज्यादा कॉमनली ये कार्बिमाजोल यूज होती है। ठीक है, तीनों ड्रग्स का मेनली काम क्या होता है कि ये थायराइड हार्मोन की सीक्रीशन कम कर देती है। थायराइड हार्मोन की जो फॉर्मेशन हो रही होती है ग्लैंड के अंदर, T3-4 की थायराइड नोड्यूल्स के अंदर, ये कोलॉइड नोड्यूल्स के अंदर, उस फॉर्मेशन को रोक देती है, ये इनहिबिट करती है उस फॉर्मेशन को। इसके अलावा ये जो PTU है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, इसका एडिशनल काम क्या है कि ये आपने शायद फिजियो में कि थायराइड हार्मोन जो होता है नॉर्मली ब्लड में T4 ज्यादा होता है, T3 कम होता है, लेकिन जब वो थायराइड से निकल के ब्लड में चला जाता है तो पेरिफेरल में T4 भी T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 जो होता है थायराइड हार्मोन मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है असल बॉडी में, यानी कि काम T3 कर रही होती है। क्वांटिटी में ज्यादा T4 होता है, पेरिफेरीज में जाके T3 में कन्वर्ट होके फिर बॉडी काम करवाना शुरू करता है। तो ये जो PTU है इसका एडिशनल काम क्या है कि ये पेरिफेरल कन्वर्जन भी ब्लॉक कर देती है, पेरिफेरल कन्वर्जन भी T4 से T3 जो कन्वर्ट हो रहा है उसको कम करवा देगी। हाँ, जो मेन इसका जो फंक्शन आ रहे हैं ना या इफेक्ट आ रहे हैं वो T3 की वजह से आ रहे हैं, लेकिन T3 ज्यादा तभी होगा, T4 भी ज्यादा होगा। साइड अच्छा क्या इनके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, प्लासेंटा क्रॉस करते तो प्रेगनेंसी में अगर देंगे तो बच्चे को नुकसान होगा। तो इसमें एक रट्टा लगा लो, बाज़ुकात पूछते कि इन तीनों में से कौन सी ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है, वो PTU है, प्रोपाइल थायोयूरासिल, दैट इज सेव इन प्रेगनेंसी। BCQ में पूछ लेते अक्सर, PTU हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं हाइपरथायराइड अगर फीमेल है, प्रेगनेंट फीमेल है, बाकी कार्बिमाजोल मेथीमाजोल को नहीं देते, दोनों बच्चे को डैमेज करती है, फीटस के लिए खतरनाक है दोनों दवाइयां। इसी तरह ब्रेस्ट मिल्क में भी सीक्रेट होती है, कोई माँ दूध पिला रही है तो वो कार्बिमाजोल और वो अगर ले रही होगी तो बच्चे के मिल्क से उसके मतलब फीट से बच्चे के मिल्क के जरिए बॉडी में जाएगा, बच्चा जो है वो हाइपोथायराइड हो जाएगा। तो इसलिए आपको फिर जो है फीडिंग मदर को देते हुए भी एहतियात करनी है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इसमें रैशेस हो जाते हैं, फीवर आना शुरू हो जाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, आइस की प्रॉब्लम यानी के पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है, वेसल्स के अंदर वेस्कुलाइटिस हो सकता है, ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया, ब्लड की रिपोर्ट करवाएंगे CBC उसमें ग्रेन्युलोसाइट्स का काउंट कम जाएगा या सारे के सारे ब्लड सेल्स ही कम हो जाएंगे उसमें, WBC कम जो है वो कम हो जाएगा, HB कम हो जाएगा, प्लेटलेट कम हो जाएगा, प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा अगर सीवियर किसी को रिएक्शन हो जाए। एडिशनल हम लोग ये तो थी एंटी थायराइड ड्रग्स के साथ हम लोग देते हैं बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम होता है कि ये
जो पेरिफेरल कन्वर्जन है ना T4 से T3 उसको रोक रही है। बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू ये एंटी थायराइड ड्रग्स। तो अगर हम दोनों मिला के देंगे तो मुझे एंटी थायराइड ड्रग्स की क्वांटिटी भी कम देना पड़ेगी, बीटा ब्लॉकर्स भी साथ में दे दूंगा, तो इस तरह जो है सिम्टम्स भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे पेशेंट के और कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट जो है ड्रग्स के कम आएंगे। अगर खाली हम एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे बीटा ब्लॉकर साथ में नहीं देंगे तो वो एंटी थायराइड ड्रग्स के साइड इफेक्ट ज्यादा आ रहे होंगे। चलो ये भी आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी। रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी होती है कि बेसिकली पेशेंट को जो है इंट्रावेनस आयोडीन, एक रेडियोएक्टिव आयोडीन होता है वो इंजेक्ट कर देते हैं, वो थायराइड में जाके जो थायराइड टिश्यूज हाइपर फंक्शन कर रहे होते हैं वहां पे जाके डाइट करता है और उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे फायदा क्या होगा? आपने खाली हालांकि में या आईवी लगाया रेडियोएक्टिव आयोडीन, वो थायराइड टिश्यू जहां पे काम करता है उसने जाके वहां पे रिजाइड करा उस ग्लैंड के एरिया में और वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट कर दी, ग्लैंड को डैमेज कर दिया, इतना डैमेज कर दिया कि वहां से थायराइड हार्मोन्स की फॉर्मेशन जो है वो बंद हो गई। तो वैसे तो बहुत अच्छा है कि बगैर सर्जरी के पेशेंट का हाइपरथायरायटिज्म सही हो गया, लेकिन ये जो रेडियोएक्टिव आयोडीन होता है ये होता खतरनाक है। यानी कि अगर कोई मेल या फीमेल है फर्टाइल एज का, फर्टिलिटी लॉस हो सकती है, टेस्टिस को नुकसान पहुंचाता है मेल्स में, ओवरीज को नुकसान पहुंचाता है फीमेल्स में, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगेन इसको देने से पहले आपको चॉइस देखना जरूरी है बहुत, कि अब पेशेंट के लिए सेफ है कि नहीं है, और अगर सेफ नहीं है पेशेंट की अपनी चॉइस है तो उससे हम फिर कंसेंट साइन करवाएंगे कि भाई ये चीज हो सकती है, ये होगी तो आप डॉक्टर पर इल्जाम नहीं लगाएंगे कि क्यों हो गया क्यों नहीं हुआ। नुकसान इसका क्या होता है कि दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं इसमें, ठीक है? आपने डिस्ट्रॉय तो कर दिया लेकिन बाद में दोबारा हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाता है ग्लैंड में, दोबारा थायराइड हाइपरथायरेटोक्सिकोसिस, ये थायरेटोक्सिकोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है पेशेंट को, रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं, ये रिकरेंस के चांसेस होते हैं इसमें। तीसरा क्या करना पड़ता है हमें कि ये पूरा का पूरा थायराइड डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी कि जो नॉर्मल भी थोड़ा बहुत सिक्रीशन हमें बॉडी से आई थी उसको भी खत्म कर देगी। तो जब पूरा का पूरा थायराइड ग्लैंड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमें फिर थायराइड हार्मोन सारी जिंदगी, उसको पेशेंट को थायराइड हार्मोन की भी तो जरूरत है ना, सीक्रेशन चाहिए होती है, तो सारी जिंदगी हमें उसको थायरोक्सिन देना पड़ेगा। थायरोक्सिन इज द T4, T4 हमेशा सारी जिंदगी उसको देना पड़ेगा, जो ब्लड में जाके बॉडी जब वो खा लेगा ब्लड में जाके पेरीफेरीज में टी में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ही लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा हमें। रेडियोएक्टिव आयोडीन कौन से पेशेंट में जो है वो ज्यादा सुइटेबल होता है? छोटा गोइटर किसी का पेशेंट का, ठीक है? या मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट दी उसके बाद पेशेंट को दोबारा सिम्टम्स आने शुरू हो गए, या मैंने सर्जरी करी उसके बाद पेशेंट को दोबारा डेवलप हो गया तो फिर हम रेडियोएक्टिव आयोडीन देते हैं, या एंटी थायराइड ड्रग्स और सर्जरी दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो किसी वजह से, एंटी थायराइड ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो कि उसके साइड इफेक्ट है, ये पेशेंट को हमने ड्रग शुरू करवाई थी उसने जो है एप्लास्टिक एनीमिया कर दिया, और सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो कि पेशेंट को हम बेहोशी नहीं दे सकते एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें अगर मजबूरी है तो फिर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन को ही आगे ट्राई करवाएंगे। इसमें इंडिकेशन क्या है इसकी? प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल होता है, ऑप्थेल्मोपैथी यानी कि आई एग्जोप्थेल्मोस अगर किसी पेशेंट को हुआ है उसमें अवॉइड करते हैं, तो ये एग्जोप्थेल्मोस को जो है ना ये एग्रेवेट करती है। आइसोलेटेड नोड्यूलर गोइटर या टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर। आइसोलेटेड नोड्यूलर गोइटर यानी कि अगर क्या तो सिंगल नोड्यूल है या छोटे छोटे नोड्यूल्स है उसमें भी हम अवॉइड करते हैं, जैसे मैंने बताया कि रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे ये पूरा थायराइड टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। ये छोड़ दो आगे बढ़ दो। कॉम्प्लिकेशन पूछ लेते हैं कि रेडियो एक्टिव आयोडीन की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। थायरोटॉक्सिकोसिस को इनिशियली बढ़ा सकती है ये। थायराइड स्ट्रोम अभी आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज थायराइड स्ट्रोम ये भी आगे पढ़ेंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है। हाइपोथायरायटिज्म कर देगी, जाहिर है पूरा का पूरा थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया, ब्लड में थायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा, पेशेंट को हाइपोथायरायटिज्म हो जाएगा, प्रेग्नेंट फीमेल होगी, फीटल डैमेज होगा, आई साइंस खराब हो सकते हैं, एग्जोप्थेलमोस वाले पेशेंट में अवॉइड किया जाता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म पैराथायराइड हार्मोन की सीक्रेशन भी बढ़ा देती है।
अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि ये जो थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स दे रहे थे, ये सारी जिंदगी नहीं दी जाती। हम ये देते हैं पेशेंट को 3 महीने तक, 3 से 6 महीने देने के बाद जब उसका थायराइड हार्मोन उसका लेवल नॉर्मल होने लगता है तो फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे पेशेंट की, वरना सारी जिंदगी देना पड़ेगी, सारी जिंदगी देना इसका नहीं है, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है ना। तो हमेशा आप 3 से 6 महीने तक बाद तक जो है पहले एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। एंटी थायराइड ड्रग्स देने से जब पेशेंट का थायराइड हो जाएगा तो फिर हम पेशेंट को सर्जरी ऑफर करेंगे। सर्जरी क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि वो जो थायराइड इतना बड़ा एनलार्ज है जो जगह जगह से हार्मोन सीक्रेट है, हम उसको काट के 90% छोटा कर देंगे, 10% टिश्यू छोड़ देंगे। अब वो जो 10% या 8% टिश्यू छोड़ रहा है वो इतना बस सीक्रेट करेगा, वो भी ज्यादा सीक्रेट कर रहा होगा लेकिन वो इतना सीक्रेट करेगा जितनी हमारी बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। पेशेंट को हाइपर थायरेटिज्म नहीं करेगा, टॉक्सिकोसिस नहीं करेगा। तो पहले एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती हैं, पेशेंट जैसे ही थायराइड होगा हम फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसमें सर्जरी प्लान करेंगे। उसमें सर्जरी क्या हो सकती है, इसमें अगर याद हो पिछले लेक्चर में हमने सर्जरी की टाइप्स भी पढ़ी थी, सब टोटल थायरॉयडेक्टमी, दोनों साइड पूरा थायरॉयड ग्लैंड निकाल देंगे लेकिन राइट लोब और लेफ्ट लोब में 8-8 ग्राम टिश्यू छोड़ देंगे। टोटल लोबेक्टमी या सब टोटल लोबेक्टमी, एक तरफ का लोब पूरा निकाल दिया, एक तरफ का लोब छोड़ दिया, या दोनों तरफ के आधे आधे लोब निकाल दिए आधे छोड़ दिए हमने, या थर्ड ऑप्शन क्या होता है टोटल थायरॉयडेक्टमी। टोटल थायरॉयडेक्टमी जो है ये हम लोग तब करते हैं कि अगर किसी पेशेंट का एनेस्थीजिया रिस्क आगे ज्यादा हो, हमें पता है कि हम एक ही दफा इसकी सर्जरी कर सकते हैं, अगर खुदा ना खास दोबारा जो हम थायराइड टिश्यू छोड़ेंगे वो ज्यादा बढ़ गया या ज्यादा हाइपर सिक्रीट करना शुरू कर दिया तो हम उसको दोबारा मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो उस पेशेंट में हमें टोटल थायरॉयडेक्टमी करना पड़ती है। टोटल थायरॉयडेक्टमी का नुकसान क्या होगा, लेकिन विद लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन देनी पड़ेगी, लेकिन वो तब भी कंपेटेबल होती है लाइफ लॉन्ग थायरोक्सिन कंपेयर टू कि हमें दोबारा सर्जरी करके पेशेंट की नेक में हमारे जो है ना रिकरेंट नेरिंजियल नर्व जा रही होती है वो डैमेज हो जाती है सर्जरी के दौरान, उससे फिर उसकी बोलने की ताकत जा सकती है, आवाज चली जाती है, ठीक है। तो उसके मुकाबले में पेशेंट बर्दाश्त कर लेता है अगर उसको कॉम्प्लिकेशन समझाए सारी ये। मोस्ट कॉमन इसमें कॉम्प्लिकेशन यही है, अगर सर्जरी करते हैं तो उसमें नर्व इंजरी हो सकती है या पैराथायराइड इंजरी हो सकती है, पैराथायराइड हो सकता है, हाइपो पैराथायराइडिज्म हो सकता है पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट ने सर्जरी करी है और सर्जरी के बाद जो मैंने वो जो टिश्यू छोड़ा था 20 साल के बाद वो भी इतना हाइपर, उस पे भी हाइपरप्लेजिया हो गया और 20 साल गुजरने के बाद अब वो थायरोटॉक्सिकोसिस उसने हार्मोन्स इतना सीक्रेट करना शुरू कर दिए कि पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस डेवलप होना शुरू हो गया है, तो दोबारा सर्जरी अवॉइड करने से हम बेहतर है हम क्या करते हो रेडियो एक्टिव आयोडीन दे देते। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो टिश्यू बड़ा हुआ हुआ है उसको जाके पूरा डैमेज कर देगा, बस हमें फिर आगे पेशेंट को लाइफ थायरोक्सिन देनी पड़ेगी। अच्छा ये तो थायराइड की सर्जरी थी, एक्सोप्थेल्मोस क्या होता है, एक्सोप्थेल्मोस की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, वो जो मैंने बताया था आई लीवी है या उसमें जो अल्सर हो रहे हैं आई टेप लगा देते हैं रात को ठापने के लिए, वरना तो खुली रहेगी ना हर वक्त, टेप लगा के बंद कर दिया, पेशेंट को मुस्तकिल कहा कि आप बाहर निकलो हर वक्त घर में जहां पे भी हो ब्लैक ग्लासेस पहन के रखो। स्टीरॉयड आई ड्रॉप देते हैं, स्टीरॉयड से क्या होता है वो जो पीछे एडिमा होता है ये रिट्रोबल्बर टिश्यू श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो हल्के हल्के जो आई बॉल वापस अपनी जगह पे रहना शुरू हो जाती है, सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। आईलिड ऊपर नीचे गैप ज्यादा होता है तो आप स्टिच कर देते हैं, किनारे से स्टिच कर देंगे तो करीब आ जाएंगी, क्लोज होने में आसानी रहेगी। रेडियो ऑर्बिट रेडिएशन या ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन आखिरी हल यही होता है कि अगर पेशेंट को आई से नजर ही नहीं आ रहा तो फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आई बॉल ही निकाल दो, आर्टिफिशियल आई बॉल भी लगी हुई होती है ना लोगों के, तो आप पूरी आई बॉल निकाल के एक आर्टिफिशियल आई बॉल लगा के छोड़ दी, एक आंख से नजर आएगा पेशेंट को। ये जो अभी ट्रीटमेंट हमने हाइपरथायरॉयडिज्म की सारी पढ़ी थी, डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर, दूसरा क्या है अभी जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर है कि गोइटर के अंदर जगह जगह जो है नोड्यूल्स बने हुए हैं हाइपर फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ये जो नोड्यूल वाला गोइटर होता है टॉक्सिक कि नोड्यूल्स मल्टीपल नोड्यूल्स हाइपर फंक्शन कर रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा थायराइड मैनिफेस्टेशंस कम होती है यानी कि सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस कम आती है, हार्मोन सीक्रेट तो कम होगा
लेकिन तब भी पेशेंट को सिम्टम्स कम आ रहे होंगे, साइंस कम मिल रहे होंगे। ग्रेव डिजीज से थोड़ा सा हल्का होता है ये। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम इसमें, प्रोपेनॉल दे सकते हैं, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है हम इसमें, थायरोटेमी कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को तीसरी टाइप है किसी पेशेंट को, टॉक्सिक एडिनोमा, यानी कि पूरा का पूरा ग्लैंड नॉर्मल है, किसी कोई एक ग्लैंड के अंदर लोब में एक छोटा सा नोड्यूल है जो कि ज्यादा काम कर रहा था, तो उस पेशेंट उसमें क्या कर सकते हैं हम, उसको हम लोबेक्टोमी कर सकते हैं, सर्जरी करते हैं। अच्छा, ये जो टॉक्सिक एडिनोमा होता है, सिंगल एडिनोमा जो कि ज्यादा काम कर रहा है, इसमें खतरा होता है कि थायराइड कैंसर हो सकता है, तो इसलिए इसको निकालना जरूरी होता है। थायराइड स्ट्रोम से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है बीसीक्यूज में भी और ऑस्पी के अंदर भी। व्हाट इज थायराइड स्ट्रोम? इट्स अ रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग सडन सीवियर एक्सजर्बेशन ऑफ हाइपरथायरायडिज्म। पेशेंट हाइपरथायरायड था, आपको पता नहीं है, आपने उसमें ओपीडी में उसका दांत निकालना शुरू कर दिया या रूट कैनाल शुरू कर दिया, तो एकदम से स्ट्रेस की वजह से उसके थायराइड ग्लैंड ब्लड में T3 T4 ज्यादा सीक्रेट कर देगा। पेशेंट को जो है ब्लड ज्यादा T3 T4 सीक्रेट होने की वजह से सीवियर हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम आने हो जाएंगे। क्या सिम्टम आएंगे? एकदम से प्रेशर बढ़ जाएगा, बैठे बैठे आपका पेशेंट का हार्ट रेट जो है 120 से ज्यादा हो जाएगा, पेशेंट जो एकदम से घबराहट शुरू कर देगा, बेहोशी अनकॉन्शियसनेस होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, वॉमिटिंग डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। अगर ओपीडी के अंदर कभी भी इस तरह का हो तो फौरन आप रोक के इसको पेशेंट को ER में शिफ्ट करें। और ER में क्या मैनेजमेंट करते हैं, ये रट्टा लगाना होगा बीसी, अगर ऑस्पी में आया तो सेम मेंशन करना है, प्रोपेनॉल देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड देते हैं, एंटी थायराइड कार्बिमेजोल देते हैं, स्टीरॉइड डेक्सामेथासोन देते हैं, फ्लूड रिप्लेसमेंट देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं। आप डोज कोई नहीं पूछेगा कि कौन कितनी डोज में देते हैं आपके लेवल पे, लेकिन बस नाम बताना चाहिए, प्रोपेनॉल, पोटेशियम आयोडाइड, कार्बिमेजोल, डेक्सामेथासोन, फ्लूड रिप्लेसमेंट और एंटीबायोटिक्स। एमरजेंसी मैनेजमेंट इन डेंटल ऑफिस, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर दांत निकालने की कोशिश कर रहे हैं या रूट कैनाल कर रहे हैं या और क्या करते हो तुम लोग, स्केलिंग कर रहे हैं, पेशेंट एकदम बैठे जो है ना बेहोश हो गया, आपकी गोद में गिर गया, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, उसकी सारी ट्रीटमेंट रोक देनी है, मेडिकल के डॉक्टर को बुलवाना है, एमरजेंसी के डॉक्टर को बुलवाना है। अगर डॉक्टर के आने में टाइम लग रहा है तो ऑक्सीजन अप्लाई करनी है पेशेंट को फौरन, ठीक है। अगर आपके पास वहां पे मॉनिटर है तो उसके फौरन वाइटल्स देखने के, पल्स कितना है, बीपी कितना है, और फौरन पेशेंट की नॉर्मली तुम लोग जो ये डेंटल ट्रीटमेंट करते हो उसमें कैनूला तो नहीं लगाते ना, रूट कैनाल में लगाते हैं, हाँ, तो बस फिर अगर पेशेंट इस तरह कोलैप्स होने लगे या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाइपरथायराइड है, तो कम से कम फौरन जब तक शिफ्ट नहीं हो रहा ईआर में उसका कैनूला करवा दो। कैनूला क्यों करवाना चाह रहे हैं, आईवी लाइन क्यों मेंटेन करवाना चाह रहे, हाँ जल्दी तो ट्रीट होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसकी ट्रीट में पढ़ा था ना, हाइपरटेंशन कर देता है, बीपी ड्रॉप हो जाता है, जब बी हाँ फ्लूड तो देंगे लेकिन बीपी ड्रॉप हो जाएगा तो वेन्स कोलैप्स हो जाएंगी, यानी तुमने जितनी देर आवासी बिठा के रखा उसको पंखा चल के पेशेंट को आईवी नहीं करी उसकी, ईएम भेजा वहां पे इतना बीपी ड्रॉप हो गया, उसकी वेन्स नहीं मिली, कैनूला ही नहीं मिला, कैनूला लगाते रहते पेशेंट आराम से ऊपर चला गया आपको दुआ देते हुए, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर डेंटल ओपीडी में पेशेंट है तो स्टाफ को बुला के खुला वहीं पे करवा दो, आईवी लाइन मेंटेन हुई भी होगी तो पेशेंट को बचाने में आसानी रहेगी। हाइपोथायरायडिज्म का, अच्छा हाइपोथायरायडिज्म कॉजेस तो रट्टे वाले ज्यादा है कि किन किन कंडीशन की वजह से होता है, प्राइमरी हाइपरथायरायडिज्म है, ऑटो इम्यून में मिलता है, आइट्रोजेनिक हो सकता है थायरोडेक्टमी के बाद, रेडियो आयोडीन एब्लेशन के बाद, या एंटी थायराइड ड्रग्स ज्यादा दे दी उससे पेशेंट हाइपोथायराइड हो गया, कॉन्जेनाइटली प्रॉब्लम है पेशेंट को, थायराइड हार्मोन्स जो सीक्रेट ही नहीं हो रहे, ग्लैंड से फॉर्मेशन ही नहीं हुई है, या अगर ग्लैंड की फॉर्मेशन हुई भी है तो हार्मोन सीक्रेशन नहीं हो रही सही से, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है कोई थायराइड की, सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस, थायराइड को काम ही नहीं करने दे रहे, हार्मोन्स की सीक्रेशन नहीं कर रहे, या आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हार्मोन्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ये तो प्राइमरी कॉज थे जो कि ग्लैंड के अंदर थे। सेकेंडरी कॉज क्या होते हैं, क्योंकि ग्लैंड के बाहर है लेकिन इफेक्ट जो है थायराइड को कर रहे हैं, हाइपोपिट्यूटरी TSH जो है
उसकी सिक्रीशंस जो है वो कम है, हाइपोथैलेमिक हाइपोथायरायडिज्म टीआरएच की सिक्रीशंस कम है, ठीक है, या पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू थायराइड हार्मोन, ब्लड में थायराइड हार्मोन तो है लेकिन पेरिफेरीज में रिसेप्टर्स ही नहीं है जो कि उसको थायराइड हार्मोन को पिक करके बॉडी में फंक्शन करवा सके। इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स हाइपर थायराइड के से उनको सबको उल्टा कर लो, कि वो जागता रहता था ये सोता रहेगा, उसको दिल की धड़कन ज्यादा महसूस होती ये कहेगा दिल डूबा जा रहा है बैठा जा रहा है, ठीक है, उनको भूख ज्यादा लगती थी उनको भूख ज्यादा लगती थी खाते ज्यादा थे, इनको भूख कम लगती होगी, उसका वेट कम था खाने ज्यादा खाने की वजह से इनका वेट ज्यादा होगा, खाते भी कम है वेट भी ज्यादा होगा इनका, ठीक है। इसी तरह उनको जो है डायरिया होता था हाइपरथायरायडिज्म, इनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बस एक चीज फीमेल्स में जैसे उसमें जो है मेनोरिया हो रहा था, एक चीज उसमें उलट होती है, फीमेल में मेंसेस बंद हो जाते हैं, इसमें क्या होंगे फीमेल में मेंसेस ज्यादा होंगे मेनोरेजिया होगा, ये फर्क होता है सिम्टम्स में। और ट्रीटमेंट करेंगे हाइपरथायरायडिज्म की, इसमें आ नहीं रहा स्लाइड में, ट्रीटमेंट हाइपरथायरायडिज्म है थायराइड हार्मोन की सीक्रेशन नहीं हो रही तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसमें हाइपो में हाई होगा ना, ये शायद गलत लिखा हुआ होगा, ये खैर मैं चलो चेक कर लूंगा जरा, हाई होना चाहिए ये, अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अच्छा चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं पहले कि इन्वेस्टिगेशन पे कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हाइपोथायराइड हाइपर की करवा रहे थे, मैंने टीएसएच करवाया था, इसी तरह मैं इसकी भी पहले टीएसएच करवाऊंगा, तो टीएसएच इसमें हमें हाई मिलेगा, हाई टीएसएच मिला, मैं इसको और कंफर्म करने के लिए कि हाई तो हाइपोथायराइडिज्म में होता है तो इसको कम करने के लिए थायराइड हार्मोन का लेवल करवाऊंगा, T3 T4 का लेवल करवाऊंगा, क्या मिलेंगे हमें वो लो मिलेंगे तो हमें कंफर्म हो गया कि हाइपोथायराइड है, फिर हम बाकी हिसाब से करवाते हैं, अगर इनमें से कोई कॉज रहा तो TRH का लेवल करवा के देखेंगे, थायराइड स्कैन करवा के देखेंगे कि कॉज क्या है कि जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम हो रही है या थायराइड ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन नहीं बना रहा। मैनेजमेंट क्या होगी, क्योंकि थायराइड हार्मोन ब्लड में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उसको थायरोक्सिन देनी पड़ेगी, बस ये याद रखो ना, टी थायरोक्सिन लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट ऑफ थायरोक्सिन देते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट है उसको हाइपोथायराइडिज्म भी है गोइटर भी है तो उसमें फिर ये जो गोइटर कॉस्मेसिस की वजह से उसको अगर तंग कर रहा है, कॉस्मेसिस की प्रॉब्लम हो रही है तो सर्जरी करके उसका साइज भी छोटा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन सब में सर्जरी नहीं करते, अगर छोटा कर रहे सिर्फ हाइपोथायराइड पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम है तो सारी जिंदगी बस आपको थायरोक्सिन देनी होती है। अब जैसे कि ऑस्पी स्लाइड है आपकी, इसके लिए 29 ईयर ओल्ड मैरिड फीमेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ नेक फॉर लास्ट 3 इयर्स एसोसिएटेड विद पाल्पिटेशन वेट लॉस और हीट इंटॉलरेंस, तो ये क्या होगा, हाइपर होगा ना, हाँ हाइपर होगा क्योंकि हीट इंटॉलरेंस भी मिल रही है, दिल की धड़कन भी ज्यादा हो रही है, पाल्पिटेशन वेट लॉस भी मिल रहा है, तो हाइपरथायरायटिज्म है। व्हाट इज योर क्लिनिकल डायग्नोसिस, हाइपरथायरायटिज्म स्लैश थायरोक्सिकोसिस स्लैश प्राइमरी हाइपरथायरायटिज्म, तीनों नाम लिख देना की में पता नहीं होता वहां की में क्या लिखा हुआ हो, खबीस एग्जामिनर होते हैं वो कहेंगे नहीं की में प्राइमरी लिखा हुआ तो मैं इसी पे पास करूँ, हालांकि अगर किसी ने प्राइमरी लिखा है दूसरे ने हाइपरथायरायटिज्म भी लिखा है तो उस पर पास हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं होता ना, तो तीनों नाम लिख देना, हाइपरथायरायटिज्म प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस और प्राइमरी थायराइड डिजीज। How will you investigate patient? TSH, T3, T4, thyroid scan, thyroid antibodies, thyroid ultrasound. ये पांच चीजें करवानी है। What are treatment options? अच्छा सर्जरी, ये जब भी इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन पूछे तो पहले हमेशा ड्रग्स ही बतानी है, एंटी थायराइड ड्रग, नंबर 2 रेडियो एक्टिव आयोडीन, नंबर 3 सर्जरी, ठीक है, सर्जरी की टाइप से पूछेंगे तो बताना, वरना खाली तीन चीजें लिख दोगे आपको ई में एक एक वर्ड लिखना होता है। अच्छा आप लोग ऑस्पी सॉल्व करते हैं ना, पूरे पूरे जुमले लिखे होते हैं तो जुमले पढ़ने पे भी मसला होता है और वहां पे जुमले नहीं लिखे हुए होते जवाब, तो आपको सिंपल सिंपल लिखना होता है कि जैसे जो है ना ट्रीटमेंट क्या है, तो आप देंगे कि अब इसके जैसे ऑस्पी लिखा होगा व्हाट आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, वी यूजुअली ट्रीट द थायरोटॉक्सिकोसिस बाय मींस ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स, वी कैन आल्सो डू सर्जरी, वी कैन आल्सो अप्लाई रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन। अब भाई इतने सारे लिखने की जरूरत क्या है, तीन लाइनों में अलग अलग लिख दो, एंटी थायराइड ड्रग नंबर 1, नंबर 2 रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन, नंबर 3 सर्जरी,
उससे आपका आंसर एकदम करेक्ट भी होगा, सामने वाले एग्जामिनर भी खुश होगा कि सही से एग्जैक्ट देखा पॉइंट टू पॉइंट, तो जो एक मार्क्स हमारे पास एक्स्ट्रा होता है वो भी हम दे देते हैं फिर। हाउ विल यू प्रिपेयर दिस पेशेंट फॉर सर्जरी? हाँ, ये इसमें इसमें आपको लिखना होगा कि वी नीड टू मेक द यूथायराइड, पेशेंट को यूथायराइड करना जरूरी है, ठीक है। वैसे तो 3 महीने दिया जाता है अगर किसी पेशेंट की इलेक्टिव सर्जरी है, इलेक्टिव सर्जरी कौन सी जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, हम वेट कर सकते हैं, तो 3 महीने तक पेशेंट को यूथायराइड करते हैं। लेकिन अगर कोई कैंसर पेशेंट है, कोई कहीं के भी बॉडी का कैंसर है और हाइपरथायराइड भी है, तो उसको तो 3 महीने वेट नहीं करवाएंगे ना, 3 महीने में कैंसर मेटास्टेसाइज करके कहां से चला जाए, तो उसमें हम पेशेंट को 10 दिन में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर कोई इस तरह की सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, कोई एमरजेंसी सर्जरी है, विद इन 10 डेज पेशेंट को एंटीथायराइड ड्रग्स भी देंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन भी देंगे, लिगोज आयोडीन भी देंगे, प्रोपेरेनॉल भी देंगे, ठीक है, सारी ड्रग्स देते हैं तेजी से, और 10 दिन में जैसे ही हार्मोन लेवल उसका ऑप्टिमल के करीब आएगा पेशेंट की सर्जरी कर देंगे हम। कैंसर के पेशेंट में एक्सेप्शन है, बाकी अगर इलेक्टिव है जैसे गॉल स्टोन्स की सर्जरी है, ऐसे जो हर्निया की सर्जरी है, इसमें आराम से 2-3 महीने तक इसको यूथायराइड करके फिर सर्जरी करेंगे पेशेंट की। क्लियर है यहां तक? आ जाओ अटेंडेंस ले लो।
उसके बाद वो ठीक था।